न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। चुनावी मौसम में आज धारवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षियों को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि जो लोग रात को सरकार टूटने और मुख्यमंत्री बनने के सपने लेकर सोते हैं, सुबह होते ही उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा और भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा धारवाड़ा में नगर पालिका के लिए 27 दिसंबर को होने जा रहे चुनावों को लेकर जसपा प्रत्याशी राव मानसिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 3 निगम और रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा धारवाड़ा नगर पालिका में होने जा रहे चुनावों में उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आज धारवाड़ा से की है। जहां तक राव मानसिंह का सवाल है तो वे न केवल जसपा बल्कि BJJP के उम्मीदवार हैं, इसलिए दोनों दलों के कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके पक्ष में प्रचार करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों के दौरान हमारी सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं वे किसी से छिपे नहीं है और उसी के बूते उन्हें विश्वास है कि इन चुनावों में जनता भारी मतों से गठबंधन प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, साथ ही उन लोगों को नसीहत दी जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ता एकजुट होकर नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी के समर्थन में कार्य करें, अन्यथा चुनाव के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से 27 दिसंबर को राव मानसिंह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर उन्हें विजयी बनाने की भी अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भिवाड़ी के रास्ते राजस्थान से धारवाड़ा में आने वाले दूषित पानी को लेकर कहा कि यह इस इलाके की बड़ी समस्या है जिसे लेकर राजस्थान सरकार से बात की जाएगी और जल्द ही इसका निदान भी कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अतिरिक्त रिपोर्ट। नगर निगम, एक नगर परिषद और 3 नगर पालिकाएं, इन 7 जगह पर आने वाली 27 तारीख को चुनाव होना है और उसमें मेरा एक एक बार लगभग समझा जाना होगा। तो उसमें सबसे पहली शुरुआत मैंने इस कस्बे धारवाड़ा से शुरू की है। हमारे बहुत ही नौजवान, यानी सारे चुनाव में अगर मैं ये कहूंगा कि सबसे यंगेस्ट, सबसे ज्यादा युवा साथी राव मान सिंह हमारे यहाँ के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। आज चुनाव प्रचार में राव मान सिंह की जीत के लिए सबसे पहला श्री गणेश आज मैं यहां कर रहा हूं। हमारे BJJP समझे, भारतीय जनता जनता पार्टी से बीजेपी भी आ गई, जेजेपी भी आ गई। अब कोई कह सकता है कि बहुत छोटा सा चुनाव है, इसमें मुख्यमंत्री आ गए। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, लोकतंत्र में एक जनता की दिशा क्या है, जनता के विचार जानने के लिए, नब्ज पर हाथ रखने के लिए छोटी नगर पालिका भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। धारवाड़ा के चुनाव को कम महत्वपूर्ण मत मानना, यहां के चेयरमैन के चुनाव का अपना योगदान, इस कैंडिडेट को अगर हम बताएंगे मैसेज दूर तक जाएगा। ये गठबंधन करके हम लगातार पिछले 1.25 साल से बखूबी बहुत एक सुंदर तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं और मैं दावा करता हूं पूरे 5 साल ये गठबंधन की सरकार हमारी चलेगी। बहुत लोग आजकल रात को सपने लेते हैं, सवेरे उठते ही उनको लगता है कि शायद मैं रात को सोया तो बिस्तर पर था और जब मैं उठूंगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा मिलूंगा। ये सपना उनका रात को आता है, सवेरे चकनाचूर हो जाता है। रोज सोचते होते हैं कि सरकार टूटी, हम कुर्सी पर आए। अब क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारी सरकार का जो मंसूबा है वो जनता को पसंद है और हमारे सारे विधायक एकजुट होकर के उस जनता की सेवा करने में दिन रात लगे हैं। आज भले ही उत्तरी भारत में जो किसानों का आंदोलन है इसकी चर्चा सब दूर है, लेकिन समस्या को हल करने के लिए सब लोग लगे हैं कि कैसे हल हो। लेकिन इसके कारण से हमने अपने विकास के कामों में, समाज की सेवा करने के कामों में
एक भी परसेंट कमी नहीं आने दी है। एक से आधे से ज्यादा वोट हम अपने नौजवान साथी राव मान सिंह के खाते में डालें ताकि जीत सके। दोनों पार्टी के लोग तन मन धन के साथ इस चुनाव में इनके साथ खड़े रहे। मुझे जानकारी है मिली है कि कुछ कार्यकर्ता अलग अलग लोगों के साथ लगे हुए हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पार्टी का जो एक निर्णय है उस निर्णय के साथ सबको खड़े होना होता है। अगर निर्णय के साथ नहीं खड़े तो फिर पार्टी के लोग नहीं है, हम तो भी व्यक्तिगत स्वार्थ है हमारा। व्यक्तिगत स्वार्थ का आदमी पार्टी के साथ नहीं चलता। जिसको व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ चलना उसको पार्टी से जुड़ना भी नहीं चाहिए। पार्टी के साथ वही जुड़े जिसको अपने विचार छोड़ करके पार्टी के विचार के साथ अपना विचार साझा करना होता है। विचार को लेकर के सब लोग अपने इस कैंडिडेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 27 तारीख को पोलिंग है, 25 तक ये चुनाव प्रचार अभियान खुला इस रूप से चलेगा। आखिरी एक दिन आप लोगों ने अपने अपने बूथों पर जाकर सब लोगों को बातचीत करते हुए अपना मत बनाना है। और ये नगर पालिका का जो मुख्य काम होता है वो होता है अपनी पालिका एरिया जो हमारा कस्बा है इसमें विकास के काम। इस विकास के काम में नगर पालिका का अपना रोल तो है ही है, साथ में सरकारों का रोल भी होता है। और अगर सरकारों के रोल को आप पहचानोगे तो आपको निश्चित रूप से राव मान सिंह के चेयरमैन बनने का लाभ मिलने ही वाला है। जो हमने 6 साल यहां पहले भी कमी नहीं आने दी, आगे भी आपकी हर जो समस्या का हल जो आप हमारे तक भेजेंगे, भेजना तो के माध्यम से ही आपने सीधी तो सब लोगों की अप्रोच बनती नहीं है सरकार के साथ, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी बातें आती हैं, तो इनके माध्यम से जो भी आप भेजेंगे उस सारे काम को पूरा करना ये हमारा दायित्व है। कोई आपको की कुछ समस्याएं जरूर है क्योंकि राजस्थान जो भिवाड़ी का जो इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है वो भी आपको तंग करता है। अब वो चूंकि इंटरसेट मामला है हम उनसे टेकअप कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो हमारी समस्या उस वहां की जो समस्या वहां के कारण से जो हमारी समस्या बनी हुई उसको हम राजस्थान से टेकअप कर रहे हैं। इस पानी को वहीं आप साफ करो और साफ करने के बाद इसको आगे कहीं भेजो जा भेजना है, कर वरना ये इंडस्ट्री का जो खराब पानी जैसे जमीन में जाता है जमीन का पानी खराब हो जाता है, ऊपर बह के आता तो गंदगी होती है। लेकिन उसको हम हल कराएंगे। और इस इलाके में चूंकि शहरी इलाका है तो लेकिन कस्बा है, इसमें किसान भी बहुत रहते होंगे। किसानों के नाते वैसे तो मैं आज सारा विषय नॉर्मल कि जितना कृषि विभाग के नाते किसानों के लाभ के नाते इस दक्षिण हरियाणा का हमने लाभ किया है शायद सारे हरियाणा का उतना हम कर नहीं पाए।